Hello friends, welcome. Today we are going to read chapter number 7, Glimpses of India, from class 10th NCERT English Reader. In this video, we are going to cover part 1, A Baker from Goa. Friends, aap sab sandwiches, burgers khate honge, but do you know that how did bread came to India? Yani ki bread, jo aaj commonly har ghar mein use ki jati hai, uski history kya hai? फ्रेंड्स गोवा में पोर्चुगीज का रूल था 1505 टू 1961 यानी कि ऑलमोस्ट 450 ईयर्स एंड ब्रेड वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ईटन फूड बाय देम इंडिया में तो लोग इन द ईयर 1505 1506 ब्रेड का नाम भी नहीं जानते थे सो द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग ब्रेड टू इंडिया गोज टू पोर्चुगीज सो फ्रेंड्स अ बेकर फ्रॉम गोवा आपका ये जो चैप्टर है ये कोई स्टोरी नहीं है इट्स अ लाइफ इंस्टेंस यानी कि ऑथर ने हमें बताया है कि उनके बचपन में एक बेकर की गोवा में क्या इम्पोर्टेंस होती थी और आज भी एक बेकर गोवा में क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करता है सो नाउ लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड मोर अबाउट बेकर्स ऑफ गोवा आवर एल्डर्स आर ऑफ्टन हर्ड रेमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज The Portuguese and their famous loaves of bread. फ्रेंड्स ऑथर कह रहे हैं कि आज भी गोवा में जो एल्डरली पीपल हैं जो बड़े लोग हैं वो आपको याद करते हुए मिल जाएंगे उस समय को जब पोर्चुगीज गोवा पे रूल करते थे जो गोवा के एल्डर पीपल हैं वो खुशी खुशी उन दिनों को याद करते हैं जब पोर्चुगीज गोवा पे रूल करते थे वो याद करते हैं कि पोर्चुगीज कैसे रहते थे और जो पोर्चुगीज थे उन्हें ब्रेड खाना कितना पसंद था फ्रेंड्स आई होप आपको पता होगा कि जब ब्रेड को बेक किया जाता है तो जो ब्रेड होती है वो एक कम्प्लीट लोफ में होती है एक बड़े से पीस में होती है जिसे स्मॉल पीसेस में कट कर कर आजकल मार्केट में पैक करके बेचा जाता है दोस ईटर्स ऑफ लोफ्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर ऑथर कह रहे हैं कि वो जो लवर्स थे जो ईटर्स थे लोफ्स खाने वाले जिनको लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत पसंद थी यानी कि पोर्चुगीज भले ही आज वो हमारे देश से हमारी कंट्री इंडिया से वैनिश हो चुके हैं जा चुके हैं लेकिन उन ब्रेड्स को बनाने वाले मेकर्स आज भी इंडिया में हैं वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स फ्रेंड्स ब्रेड को बनाने के लिए पहले आटे को मिक्स करना पड़ता है फिर उसे मोल्ड करना पड़ता है उसे शेप देनी पड़ती है और फिर फाइनली उसे बेक किया जाता है सो फ्रेंड्स ऑथर कह रहे हैं कि आज भी हमारे बीच में वो लोग हैं जो आटे को मिक्स करते थे ब्रेड बनाने के लिए इन लोगों को हम क्या कहते थे मिक्सर्स फिर हमारे पास मोल्डर्स भी हैं यानी कि वो लोग भी हैं जो उस डो को शेप देते थे उसे मोल्ड करते थे ब्रेड की फॉर्म में और फाइनली हमारे पास वो बेकर्स भी हैं जो उन लोव्स को बेक करते थे दोस एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट फ्रेंड्स पुराने समय में माइक्रोवेव्स और ओवन तो होते नहीं थे तो बेकर्स जो होते थे वो ब्रेड को फर्नेसेस में बेक करते थे फ्रेंड्स जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर दीवार के बीच में एक एरिया बना रखा है सो ये जो एरिया है ये चारों तरफ से बंद है इनक्लोज्ड है और इस एरिया के अंदर आग को जलाकर ब्रेड को बेक किया जाता था तो इस चीज़ को हम क्या कहते थे फर्नेसेस सो ऑथर क्या कह रहा है कि भले ही जो पोर्चुगीज हैं वो इंडिया से जा चुके हैं लेकिन आज भी बेकिंग इंडिया में की जाती है आज भी जो मिक्सर्स हैं मोल्डर्स हैं बेकर्स हैं वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं दैट मीन्स पोर्चुगीज के जाने से इंडिया में लोगों का जो क्रेज़ था ब्रेड को लेकर वो ख़त्म नहीं हुआ है उधर आगे कहते हैं द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड यानी कि पोर्चुगीज के जाने का बेकर्स पे कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि आज भी जो फर्नेसेस हैं उनमें आग जलती है यानी कि आज भी ब्रेड बनाई जाती है द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू Her leading his arrival in the morning can still be heard in some places. जो बेकर्स होते थे वो घर घर जाके लोगों को ब्रेड सेल किया करते थे फ्रेंड्स ऑथर कह रहे हैं कि जो बेकर होता था उनके हाथ में एक बैम्बू की स्टिक होती थी तो आज भी आपको गोवा में कई जगहों पर
बेकर के उसी बैम्बू स्टिक की थर्ड और जो जिंगल होता है यानी कि जो रिंगिंग साउंड होता है वो सुनाई दे जाएगा। और ये जो बेकर के बैम्बू स्टिक की थर्ड एंड जिंगल है आपको सुबह के समय सुनाई देगी, जो एक अनाउंसमेंट करती है, एक हर्लिडिंग देती है कि जो बेकर है वो आ रहा है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। भले ही आज वो बेकर जिंदा नहीं है जो पोर्चुगीज के टाइम पर होते थे, लेकिन आज भी उनके बच्चे बेकिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। These bakers are even today known as pedder in Goa. Friends, Portuguese language में एक baker को pedder कहा जाता है। तो आज भी Goa में जो लोग हैं वो baker को pedder करके ही बुलाते हैं। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. Author कह रहे हैं कि हमारे बचपन में Goa में जो बेकर होता था वो हमारा फ्रेंड होता था, कंपेनियन होता था और हमारा गाइड होता था। ही यूज़ टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में कम से कम दो बार तो आता ही था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। दिन में पहली बार बेकर हमें तब नज़र आता था जब वो सुबह सुबह अपना सामान बेचने के लिए निकलता था। And then again when he returned after emptying his huge basket. और दूसरी बार वो हमें तब नज़र आता था जब वो वापस जा रहा होता था जो अपनी बड़ी सी बास्केट होती थी उसको खाली कर कर, यानी कि अपने सारे सामान को बेच कर। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. सुबह के समय जब हम सो रहे होते थे और जैसे ही हम बेकर के बैम्बू स्टिक की जिंगलिंग थर्ड को सुनते थे तो एकदम से हम उठ जाते थे और बाहर भागते थे बेकर को मिलने के लिए। Why was it so? ऑथर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों था कि बेकर की आवाज़ सुनते ही हम सारे बच्चे उठ जाते थे। Was it for the love of the loaf? क्या इसके पीछे ये कारण था कि हम सबको ब्रेड खाना बहुत पसंद था? Not at all, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। The loaves were brought by some peskin or pestin, the maid servant of the house. So friends, author अपने बचपन की बातें बता रहे हैं तो उन्हें याद नहीं है कि उनके घर में जो maid servant थी उनका नाम peskin था या pestin था। ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हम ब्रेड की वजह से सुबह जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि जो ब्रेड होती थी उसे तो हमारे घर की जो सर्वेंट थी वो खरीदती थी। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। ऑथर कह रहे हैं कि हम सब बच्चे जो बेकर होता था उससे मिलने के लिए इसलिए उतावले होते थे क्योंकि हम सब बच्चों को जो ब्रेड बैंगल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। हम सब बच्चे बहुत ही केयरफुली अपना ब्रेड बैंगल्स चूज़ करते थे, सिलेक्ट करते थे। ये जो ब्रेड बैंगल्स होते थे वो स्वीट होते थे, मीठे होते थे खाने में। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और जो बेकर था वो सुबह सुबह जब आता था तो वो बहुत ही म्यूज़िकल एंट्री के साथ आता था, यानी कि जो बेकर की एंट्री होती थी वो कैसी होती थी? म्यूज़िकल, क्योंकि वो अपनी बैम्बू स्टिक को ज़मीन पर ठोक ठोक कर एक झेंग झेंग का साउंड क्रिएट करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। बेकर अपने एक हाथ से जो बास्केट उसने अपने सिर के ऊपर रखी होती थी उसको पकड़ता था, उसको होल्ड करता था और दूसरे हाथ में उसके बैम्बू स्टिक होती थी जिसको वो ज़मीन पर बैंक करता था, ठोकता था, जिसकी वजह से एक जिंगलिंग साउंड क्रिएट होता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। जो बेकर होता था वो जो घर की लेडीज़ होती थी उनको गुड मॉर्निंग विश करता था और फिर बास्केट को उतार कर बैम्बू स्टिक के ऊपर रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। सो बेकर के घर पर आते ही जो बच्चे होते थे घर के वो उसके आसपास इकट्ठे हो जाते थे तो उन्हें थोड़ा सा रिब्यूक करके, हल्का सा डांट कर उन्हें दूर हटा दिया जाता था और जो लोव्स ऑफ ब्रेड होती थी वो सर्वेंट को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप।
लेकिन जो बच्चे होते थे वो डांट खाने के बाद भी हार नहीं मानते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ. ऑथर कह रहे हैं कि हम बच्चे कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे बास्केट के अंदर पीप करने का, बास्केट के अंदर झांकने का, देखने का. या तो हम किसी बेंच के ऊपर क्लाइंब कर लेते थे या जो पैरापेट होती है, जो रेलिंग होती थी, उसको पकड़ के बास्केट के अंदर झांकने की कोशिश करते थे. आई कैन स्टिल रिकॉल द ट्रिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लोव्स. ऑथर कह रहे हैं कि आज भी मुझे उन लोव्स ऑफ ब्रेड से आने वाली फ्रेगनेंस स्मेल याद है. लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. जो बड़े लोग होते थे वो तो लोव्स ऑफ ब्रेड खाते थे और जो छोटे बच्चे होते थे वो ब्रेड बैंगल्स खाते थे. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ्स प्रॉपरली. फ्रेंड्स, ऑथर कह रहे हैं कि जैसे ही हम बच्चों के हाथ में ब्रेड बैंगल्स आते थे उसके बाद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमने अपने टीथ को ब्रश किया है या नहीं करा है, या अपने माउथ को, अपने चेहरे को वॉश किया है या नहीं किया है. हम सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे उन बैंगल्स को खाने के लिए. हम उन बैंगल्स को जल्दी से जल्दी खाना चाहते थे. एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. और ऑथर पूछते हैं कि दांतों को ब्रश करना या चेहरे को धोना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता था. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. क्या शेन ने भी कभी ब्रश किया है. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और फिर आप गरम गरम चाय पी लीजिए, वो सभी चीज़ों को अपने आप वॉश कर देगी, क्लीन कर देगी बहुत ही नाइसली. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज द पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. ऑथर कह रहे हैं कि अगर मैरिज गिफ्ट्स में, यानी कि शादियों में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं उनके अंदर जो स्वीट ब्रेड होती है बोल, उसे नहीं दिया जाए तो मैरिज गिफ्ट्स जो होते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अगर किसी पार्टी में ब्रेड नहीं हो तो पार्टी का जो चार्म है, जो मज़ा है, वो चला जाता है. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. यानी कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता ये बताने के लिए कि जो एक बेकर है उसकी क्या importance होती है एक village में. Lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. और अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट है तो जो घर की लेडी है, यानी कि उस लड़की की जो माँ है, वो सैंडविचेस ज़रूर बनाएंगी एंगेजमेंट में. केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और गोवा में क्रिसमस के फेस्टिवल पे या किसी और फेस्टिवल पे केक्स और बॉलिनास यानी कि जो कोकोनट कुकीज़ होती हैं वो ज़रूर बनाई जाती हैं. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इसलिए गोवा में एक विलेज में बेकर्स के फर्नेस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kapai. ऑथर कह रहे हैं कि जब पोर्चुगीज गोवा पे रूल करते थे उस समय जो बेकर्स होते थे वो जो ड्रेस पहनते थे उस ड्रेस को कबाई कहा जाता था. और ये जो ड्रेस होती थी वो बहुत ही peculiar ड्रेस होती थी, बहुत ही अजीब सी होती थी. It was a single piece long frock reaching down to the knees. वो एक सिंगल कपड़े से, यानी कि एक ही कपड़े से बनी हुई लंबी सी फ्रॉक होती थी जो नीज तक, यानी कि घुटनों तक आती थी. और इस तरीके की ड्रेस को कबाई कहा जाता था. इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंस. ऑथर कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में जो बेकर्स होते थे वो एक शर्ट पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे जो ना तो फुल लेंथ के होते थे, यानी कि वो फुल लेंथ से शॉर्टर होते थे लेकिन हाफ पैंट से लंबे होते थे. इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. ऑथर कह रहे हैं कि अगर आज भी कोई पर्सन हाफ पैंट पहनता है जो नीज से नीचे तक आती है तो जो लोग होते हैं वो कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं कि देखो ये तो बिल्कुल एक पैडर की तरह ड्रेस्ड अप है. द
the baker usually collected his bills at the end of the month. ऑथर कह रहे हैं कि जो बेकर्स होते थे वो डेली घर में ब्रेड सप्लाई करते थे और वो जो अपना बिल होता था यानी कि जो पैसे होते थे उन ब्रेड्स के वो महीने के अंत में यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ कलेक्ट करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और जो हिसाब होता था कि एक दिन में कितनी ब्रेड ली गई बेकर से वो सारा का सारा जो अकाउंट होता था वो घर में किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया जाता था. सो जो पूरा मंथली अकाउंट होता था बेकर से कितनी ब्रेड ली गई वो घर में पेंसिल से दीवार पर लिखा जाता था. बेकिंग वॉज इनडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. ऑथर कह रहे हैं कि आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पुराने समय में जो बेकिंग होता था वो कितना प्रॉफिटेबल यानी कि कितना प्रॉफिट वाला प्रोफेशन होता था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. बेकिंग इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था कि जो बेकर होता था और जो उसकी फैमिली होती थी वो कभी भी स्टाफ नहीं करते थे. दैट मीन्स उन लोगों के पास हमेशा पैसा रहता था. उनकी कंडीशन कभी भी गरीबों जैसी नहीं होती थी यानी कि उनकी कंडीशन कभी भी ऐसी नहीं होती थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है यानी कि वो स्टाफ कर रहे हैं. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. एक बेकर उसकी फैमिली और जो उसके सर्वेंट्स होते थे बेकर के वो हमेशा खुश नज़र आते थे प्रॉस्परस रिच और सक्सेसफुल नज़र आते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस. ऑथर कह रहे हैं कि जो बेकर्स होते थे वो प्लम्प फिजिक के होते थे यानी कि वो प्लम्प होते थे फैटी होते थे मोटे होते थे और ये इस बात का ओपन टेस्टिमनी है इस बात का खुला सबूत है कि पुराने समय में बेकिंग कितना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था. इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजली कंपेयर टू अ बेकर. आज भी अगर किसी पर्सन की जैक फ्रूट जैसी फिजिकल अपीयरेंस होती है यानी कि अगर कोई पर्सन जैक फ्रूट की तरह मोटा होता है तो उस इंसान को एक बेकर से कंपेयर किया जाता है. सो फ्रेंड्स विद दिस पार्ट वन यहीं पर कंप्लीट होता है. आई होप आपको पार्ट वन क्लियर हुआ होगा. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डील विद पार्ट टू. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब इट जिससे आप आने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.